अंडरलाइन एडजेक्टिव विद वन विच इज अपोज्ड इन मीनिंग टू इट. आपको क्या करना है, ये जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव, इसको रिप्लेस करना है अपोजिट मीनिंग से उसके. द बेबी हैज लॉन्ग हेयर, तो इसको लॉन्ग को आपने शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हेयर से पहले जो नाउन से पहले जो लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है, हेयर से पहले जो लगा है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसका उल्टा भरना है. ठीक है, लॉन्ग का शॉर्ट हो गया. ही मैनेज टू सॉल्व सम डिफिकल्ट सम, इसका हो जाएगा ही मैनेज टू सॉल्व सम इजी सम्स. बाकी सब सही रहेगा, यही चेंज होगा, इसलिए लिख रहे हैं. दिस लैंड इज़ वेरी अनइवन, उबड़ खाबड़ है ये लैंड, जमीन. दिस लैंड इज़ वेरी अनइवन की जगह इवन लिख देंगे, बराबर से हमवार है. दैट कलर इज़ टू डल, तो डैट कलर इज़ टू ब्राइट, डल का ब्राइट. द प्रिंट ऑन दिस फैब्रिक इज कॉम्प्लिकेटेड, आप लिखिएगा द प्रिंट ऑन दिस फैब्रिक इज सिंपल. इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, इट इज़ टू कोल्ड लिख दिएगा, इट इज़ टू कोल्ड टुडे. ठीक है, आउटसाइड लिख दिए, सॉरी. टोक्यो इज एक्सपेंसिव सिटी, तो आप टोक्यो चीप या इकोनॉमिकल सिटी भी कर सकते हैं. चीप लिखिएगा, चीप मैंने सस्ती, एक्सपेंसिव मैंने महंगी. वाइज मंकी सॉल्व द प्रॉब्लम, इस अकलमंद बंदर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो वाइज का हो जाएगा फुलिश. दिस फुलिश मंकी सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली का लेट हो जाएगा. शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अगली गर्ल. दिस इज अ बिग टॉय, दिस इज अ स्मॉल टॉय. क्लियर होगी पूरी एक्सरसाइज? हाँ.